प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल सार्थक यूनिटी ग्रुप। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मदर्स डे की स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है माँ की ममता का आंचल। एक बार राजू नाम का लड़का उसकी माँ के साथ अकेला रहता था क्योंकि उसके पिताजी उनको छोड़कर भगवान के पास चले गए थे। राजू के पिता के चले जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। सारा खर्चा माँ के ऊपर आ गया था और माँ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए घरों में जाकर बर्तन धोती, सिलाई करती और अपना घर चलाया करती थी। राजू को पढ़ाने के लिए एक स्कूल में रख दिया। राजू शर्मिला लड़का था और वह अकेले बैठना पसंद करता था। यूं कहें तो राजू मन बुद्धि लड़का था। एक दिन मास्टर जी ने एक लिफाफा दिया जिसे उसने अपने घर लाकर माँ को पकड़ा दिया। राजू की माँ ने जैसे ही मन चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। यह देखकर राजू ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने रोते रोते उसे जवाब दिया कि बेटा, मास्टर जी ने लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार है, यह पढ़ने में बहुत तेज है, इसलिए हमारा स्कूल इसे पढ़ाने में असमर्थ है। राजू को इस बात का दुख तो था, परंतु अपने बुद्धि तेज होने की खुशी भी थी। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने अच्छे स्कूल में रखा, अच्छी ट्यूशन लगा दी, राजू के दिमाग का ट्रीटमेंट भी अच्छे हॉस्पिटल में कराया। समय बीतता गया, राजू भी धीरे धीरे पढ़ाई में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास कर लिया, एक बड़ा ऑफिसर बन गया। अब उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी और उसे इस बात की खुशी थी कि उसका बेटा मन बुद्धि से एक समझदार पढ़ा लिखा ऑफिसर बन गया। कुछ समय पश्चात उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। राजू की माँ की मृत्यु होने के पश्चात राजू अपने आप को बिल्कुल अकेला समझने लगता है और इसी प्रकार बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन माँ के कमरे में गया, संदूक देखने लगा। उससे उसमें चश्मा, उसका रुमाल, कई पुरानी तस्वीरें थी जिसे देखकर वह रोने लगा। राजू को अपने बचपन के खिलौने भी उसमें मिले। देखते ही देखते एक चिट्ठी मिली जो कि बचपन में उसे मास्टर जी ने देने पर उसकी माँ को पकड़ाई थी। वह चिट्ठी को खोलता है और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, अभिभावक हमें खेद है, आपके लड़के का दिमाग दूसरे बच्चों की अपेक्षा कमजोर है, यह खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है, इसे स्कूल के नहीं हॉस्पिटल की जरूरत है, आपका बेटा पढ़ाई में नहीं हर चीज़ में कमजोर है। यह पढ़कर राजू बहुत रोने लगा। वह ईश्वर से कहने लगा, कैसी थी मेरी माँ जिसने अपना जीवन खराब कर मेरा जीवन संवारा, और मेरी माँ की सेवा करने की बारी आई तो तूने उसे मुझसे छीन लिया और मुझे अकेला कर दिया। यह सोचकर जोर से वह रोने लगता है। कहानी की शिक्षा, माता ही ब्रह्म मुहूर्त जो सवारे अपने बच्चों की सूरत।